इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। परिवहन विभाग को लेकर सीएम योगी के ट्वीट से जुड़ी बड़ी खबर। सीएम योगी के आदेश के बावजूद प्रयागराज में संचालित हो रहे अवैध टैक्सी स्टैंड व डग्गामार बसें, सिविल लाइंस हनुमान मंदिर पुलिस चौकी के सामने संचालित हो रहे डग्गामार बसें व टैक्सी स्टैंड, सिविल लाइंस बस स्टैंड के गेट के सामने संचालित हो रही अवैध टैक्सी स्टैंड, पिछली सीएम के आदेश के बावजूद कोई नहीं हुई कार्रवाई। सीएम ने दूसरी बार ट्वीट कर दिया आदेश पर नहीं शुरू हुई कोई कार्रवाई। ट्वीट को 24 घंटे होने के बावजूद नहीं शुरू हुई कोई कार्रवाई। कार्रवाई ना होने पर बीजेपी किसान मोर्चा कार्यालय प्रभारी आचार्य कुशमुनि स्वरूप ने किया ट्वीट। बीजेपी कार्यालय प्रभारी ने ट्वीट कर लिखा, नामजद अभियुक्त सोनू सोनकर उसके भाइयों को सिविल लाइंस इंस्पेक्टर के संरक्षण पर संचालित कर रहे हैं अवैध टैक्सी स्टैंड। कार्यालय प्रभारी ने दूसरे ट्वीट में लिखा है, अभियुक्त सोनू सोनकर और उसके भाइयों को सिविल लाइन इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह यादव का है संरक्षण प्राप्त। सीएम के आदेश को ठेंगा दिखाते कर खुलेआम संचालित हो रहे अवैध टैक्सी स्टैंड। सीएम योगी के आदेश पर अब देखना होगा किस तरह की होती है कार्रवाई। सीएम के निर्देश पर आला अधिकारी किस तरह की करते हैं कार्रवाई। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने भी डीएम कमिश्नर एसपी व एसएसपी को दिए हैं निर्देश। अब देखना होगा किस तरह से होती है कार्रवाई, क्योंकि बीजेपी कार्यालय प्रभारी ने भी सवाल खड़े किए हैं ट्वीट करके प्रयागराज की सिविल लाइन पुलिस पर। अब देखना होगा किस तरह की होती है कार्रवाई। संगम नगरी प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद, उसके भाई खालिद अजीम और अशरफ के साले सद्दाम की तस्वीरें अब सामने आई है। उसकी दुबई की तस्वीरें अब सामने आई है। सद्दाम आखिर कहाँ है, सवाल खड़े हो रहे हैं। सद्दाम भारत में है या दुबई में है, अब ये भी सवाल खड़े होने लगे हैं। बरेली जेल में अशरफ से अवैध तरीके से मिलने मामले में सद्दाम के खिलाफ FIR दर्ज है। सद्दाम 1 लाख रुपये का इनामी भी है। वहीं सद्दाम की अब एक वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें फोटो एक रेड कार के साथ सद्दाम दुबई के नंबर की खड़ा हुआ है और पीछे दुबई का बैकग्राउंड है। और ऐसे में सद्दाम अब कहाँ है, वो भारत में है या दुबई में है, अब ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मगर अब ये चौंकाने वाला प्लेन का वीडियो और फोटो सामने आया है, जिसमें प्लेन में सद्दाम बैठा खिड़की से देख रहा है और दुबई की एक कार के साथ खड़ा है लाल रंग की, जिसका फोटो अब सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। संगम नगरी प्रयागराज में पहुंची है न्यायिक आयोग की टीम, जहां 3 दिनों से न्यायिक आयोग की टीम प्रयागराज में है। और ऐसे में जहां पहले दिन पुलिस का बयान तो दूसरे दिन डॉक्टरों का और तीसरे दिन पत्रकारों का बयान दर्ज किया गया है। बता दें न्यायिक आयोग की टीम ने तीसरे दिन 8 लोगों का बयान दर्ज किया है। अतीक अहमद अशरफ हत्याकांड की जाँच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस दिलीप बाबा साहेब भोसले की अध्यक्षता में गठित न्यायिक आयोग की टीम, जिसमें पूर्व चीफ जस्टिस झारखंड हाईकोर्ट वीरेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी, IPS सुभेश कुमार सिंह एवं पूर्व जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी के द्वारा 8 लोग का बयान दर्ज कराया गया है। आपको बताते चलें, अतीक अशरफ हत्याकांड के समय मौजूद पत्रकार, पुलिस और डॉक्टरों के बयान सर्किट हाउस में न्यायिक आयोग की टीम ने शपथ पत्र के साथ दर्ज कराया है। कांग्रेस अल्पसंख्यक महानगर अध्यक्ष अरशद अली ने जहां बड़ा बयान दिया, अरशद अली ने जहां बड़ा बयान देते हुए समाजवादी के ऊपर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कहते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। है कि नगर निगम निकाय चुनाव में जिस तरीके से मुसलमानों ने एंटी सपा वोट किया है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि मुसलमान अब कांग्रेस की तरफ आ रहा है और संकल्प ले चुका है कांग्रेस की तरफ आने के लिए। 2024 की तैयारी वो पूरे जोर जोर से कांग्रेस साथ करना चाह रहा है, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से मुसलमान अब समझ चुके हैं कि पिछले 32 सालों में जिस तरीके से 5% आबादी के लोग के पीछे 20% आबादी के लोग चल रहे थे और उनको बदले में क्या मिला, कुछ नहीं मिला। आज तक झुंझुना पकड़ने का काम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने अब तक किया मुसलमानों के साथ। और बात यहाँ पर यह है कि राजनीति की शुरुआत समाजवादी की अखिलेश वो आजम खान साहब और मुलायम सिंह यादव जी ने एक साथ की थी, मगर आप ये देखिए बुढ़ापे में उनको क्या मिला। मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण मिला और आजम खान को जेल मिली, ये भी मुसलमान अब समझ लिया है। और जिस तरीके से हमारे नेता
ये राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, मुसलमान इससे प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने भी संकल्प लिया है कि 2024 में कांग्रेस के साथ आएंगे। आप उठा के आप नगर निकाय के चुनाव देख लीजिए, हमारे मेयर प्रत्याशी के रूप में 5 जगह ऐसी थी जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने सेकंड पोल किया है। साफ जाहिर हो चुका है एंटी सापा लहर जो चली है या आगे भी कायम रहेगी। ऊपर वाले ने चाहा तो 2024 में केंद्र में सरकार कांग्रेस पार्टी की आएगी। मैं अरशद अली, महानगर अध्यक्ष संगम नगरी प्रयागराज में आज मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में डाबर बीटा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान व अधिवक्ता नाजिया नफीस समेत कई लोग मौजूद थे। यहां आज छात्रों को और खिलाड़ियों को उनके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करते हुए किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से उनको एनर्जी ड्रिंक लेना चाहिए, क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए दिखाते हैं। आज डाबर जो एक कंपनी है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की, उसके द्वारा एक हेल्थ ड्रिंक वीटा के अंतर्गत, जागरूकता के अंतर्गत एक कैंप लगाया गया था, जिसमें जो भी यहां पर स्पोर्ट्स खेलते हैं बच्चे, उन सभी बच्चों को निशुल्क हेल्थ ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूट की गई। साथ ही साथ उनको विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की टिप्स दी गई। इसमें ये खास खास बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बेसिकली फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो वो जो हमारे बच्चे होते हैं वो मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से उतना मजबूत नहीं रह पाते हैं, जबकि स्पोर्ट्स पर्सन को हर एक दृष्टिकोण से मजबूत होना चाहिए। तो ये कार्यक्रम बेसिकली इस हिसाब से था कि जो बच्चे हैं उनका सार्वभौमिक विकास हो और वो कल को जो है समाज में एक मजबूती के साथ स्पोर्ट्स का प्रदर्शन कर सके। आज डाबर की तरफ से मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में कैंप लगाया गया, जिससे बच्चों को हमने उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया और बच्चों को समझाया कि क्यों जरूरी है उनका शारीरिक और मानसिक रूप में स्वस्थ रहना और किस तरीके खान पान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनके स्वस्थ रहने के लिए। और यहाँ पर बच्चों को हम लोगों ने डाबर के फूड सप्लीमेंट्स और प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोवाइड कराए। हम लोग पूरे 15 राज्यों में जा रहे हैं, 25 शहरों में जा रहे हैं और तकरीबन 10,000 बच्चों तक हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि बच्चों को हेल्थ सेशन लेना चाहिए। बच्चे खेल कूद में आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे आजकल वापस खेल कूद में आ रहे हैं, तो उनको शारीरिक एनर्जी के अलावा उनको मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ की बहुत ज़रूरत है। तो वही आज हमने एज बाउंड की है, बिल्कुल कोई एज बाउंड नहीं है, 2 साल से लेकर 70-80 साल तक के लोग खा सकते हैं। नगरी प्रयागराज जहां बीते दिनों निकाय चुनाव हुआ है और ऐसे में जो परिणाम आए हैं कहीं ना कहीं वो विपक्ष के लिए काफ़ी चौंकाने वाले हैं, वहीं अब लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है और जिसको लेकर अब विपक्ष और सत्ता पार्टी दोनों ही मैदान में होंगी और ये काफ़ी रोमांचक चुनाव होगा, जिसकी लेकर अभी से सरगर्मी दिखने को मिल रही है। जब प्रयागराज की जनता से इस पर बात की गई कि आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए कितनी कठिनाई होगी और साथ ही विपक्ष की क्या भूमिका होगी, ऐसे में प्रयागराज की जनता का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की भूमिका होगी और किस तरह से उसके लिए चुनौतीपूर्ण होगा और किस तरह से विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगी, आइए दिखाते हैं आपको क्या कहना है जनता का। कुछ भी नहीं। क्या भी लगता है विपक्षी पार्टियां जो है बीजेपी को टक्कर दे पाएंगी? नहीं, कुछ नहीं। क्या वजह है? वजह चाहे जो भी हो, आम पब्लिक उनके साथ है, बीजेपी के साथ। ऐसी क्या वजह है? बहुत सारी वजह हैं, जैसे धर्मवाद, अपनावाद, मोहल्लावाद, उस तरीके से बीजेपी ही जीतेगी। अनदर्स कैंडिडेट बहुत ज़्यादा फाइट कर सकते हैं फील्ड पर, इसके अलावा उसकी रास्ता नहीं रोक सकते। परिचय बताओ। नियाज़मा सिद्दीकी। देखिए, कोई भी चुनाव तो फाइट में तो होता ही है और सामने वाले को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी की लहर है और बीजेपी के काम को देखते हुए लगता नहीं कोई दूसरी पार्टी कोई आएगी। क्या लगता है विपक्षी पार्टियां कड़ी टक्कर दे पाएंगी बीजेपी को? बिल्कुल देगी। हर आदमी चाहता है सत्ता का परिवर्तन, हर आदमी चाहता है सत्ता का पावर, हम आना चाहेंगे। टक्कर दे पाएगी भाई 2024 के चुनाव में? टक्कर अगर कोई है तो कांग्रेस ही है, और कौन फाइट देगा?
मुसाब खान। अब 2024 आई, अब जनता अपना फैसला खुद ही बताएगी। ये तो जनता के ऊपर जो है डिपेंड करता हैगा। जनता को जो सही लगेगा उसी का जो है तरफ भागेगी। अब जैसा होगा तो खुद ही आप लोग के हम लोग को सबको समझ में आएगा। काहे न कठिन होगा, ये बताइए क्या लगता है विपक्ष की जो पार्टियां हैं बीजेपी को 2024 के चुनाव में टक्कर दे पाएंगी? टक्कर अब जैसा जो है जनता को अच्छा लगेगा वैसे जनता भी अपना फैसला लेगी। जब फैसला लेगी तो खुद ही समझ में आएगा टक्कर ले जा रही है कि नहीं ले जा रही है। काहे नहीं देंगे, सब देंगे। मोहम्मद गुफरान। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बार बालाओं के डांस के बीच असलहों का प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक हाथ में राइफल लिए डांस करते दिखाई दे रहे हैं और स्टेज पर बार बालाएं डांस कर रही हैं। वहीं वीडियो अब सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कुराओं क्षेत्र का ये वीडियो है, और ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, मगर वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें हाथ में राइफल लेकर युवक नाचता दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हैं मंच पर बार बालाएं थिरक रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का खौफ नहीं है लोगों में और खुलेआम असलहे का प्रदर्शन जारी है, जहां असलहे के प्रदर्शन पर कई बार कार्रवाई भी हुई है, मगर उसके बावजूद लोगों में पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा है। प्रयागराज कमिश्नरेट में अब लोगों में नहीं दिख रहा पुलिस का खौफ, खुलेआम असलहे का हो रहा प्रदर्शन। अब देखना होगा इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है, या फिर इसी तरह से प्रयागराज में असलहों का प्रदर्शन होता रहेगा और पुलिस बनी मूक दर्शन। प्रयागराज में जहां 3 महीने 10 दिन के लिए निरंजन डाट के पुल के नीचे का रास्ता बंद किया गया है, क्योंकि निरंजन के पुल पर चौड़ीकरण होना है और रेल की पटरी बढ़ाई जा रही है, जिसके कारण रास्ता बंद किया गया है। मगर वहीं अब शहर के लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिनको निरंजन के पुल के रास्ते से जाना रहता था, अब उन्हें रामबाग के रास्ते से घूम कर जाना पड़ रहा है। वहीं रामबाग डाट के पुल के नीचे अब जाम लग रहा है, जिससे काफ़ी लोगों को गर्म में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ प्रचंड धूप और गर्मी, दूसरी तरफ जाम के जाम से लोग परेशान दिखाई दिए। ऐसे में लंबे जाम के जाम से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये रोड पहले से ही काफ़ी चौड़ी नहीं है और ऐसे में यहाँ से टू वे यानी आना और जाना दोनों होता है, जिसके कारण जाम की समस्या उत्पन्न होती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण अब लोग यहाँ परेशानी से जूझ रहे हैं। अब देखना होगा इनको कब मिलता है जाम के जाम से निजात। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।